आगामी समय में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में किसी भी समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव का बिगुल फूंक सकता है। चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 के दंगल को फतह करने के लिए जोरों शोरों से तैयारी में जुट गई हैं। फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियों का एक ही मिशन है, 2024 के रण को फतह करना। लिहाजा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही कई राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। कुल मिलाकर 2024 की कुर्सी को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी पूरी कर ली है। बहरहाल आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है और जल्दी दोनों ही पार्टियां दूसरी लिस्ट का ऐलान भी कर सकती हैं। बता दें कि भाजपा ने 2 मार्च को पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें कई दिग्गजों का नाम शामिल था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एमपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी की पहली लिस्ट भी चौंकाने वाली थी, लिहाजा दूसरी लिस्ट में बीजेपी क्या धमाल करने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस भी पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जिसमें राहुल गांधी, शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। इधर टीएमसी ने भी इंडिया अलायंस को झटका देते हुए एकला चलो की रणनीति बनाते हुए पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ आज आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के बाद पंजाब में अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नारे तैयार किए हैं। पंजाब के लिए आपने नारा दिया है, संसद में भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब की बढ़ेगी शान। संसद विच भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब ते बढ़ेगी शान। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव में भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, जिसका फायदा आपको मिला और 117 सीटों में से 92 सीटें जीती थीं। ठीक उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में भी आपने भगवंत मान के नाम को आगे रखा है। कयास लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस सप्ताह के अंत तक पंजाब में 13 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पंजाब में चुनावी कैंपेन को लॉन्च करते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जनता तो रोज देख रही है कैसे केंद्र सरकार, गवर्नर, बीजेपी वाले रोज तंग कर रहे हैं मान साहब को, रोज तंग कर रहे हैं हमारी सरकार को, रोज तंग कर रहे हैं हमारे मंत्रियों को, तरह तरह से तंग कर रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए रोक लिए केंद्र सरकार ने। 8,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। कितने स्कूल बन जाते, कितनी सड़कें बन जाती, कितने अस्पताल बन जाते, कितने मोहल्ला क्लिनिक बन जाते, इतना काम कर लेते हैं हम 8,000 करोड़ से। जो काम करते हैं गवर्नर उस काम में टांग अड़ा रहा है, हर काम में टांग अड़ा रहा है। बैठकों का दौर जारी है, लिहाजा अब देखना ये होगा कि 2024 में जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद किसको देती है, किसका राज तिलक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।